सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इंडिया में Xiaomi का जो Redmi Note 5 Pro है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर एक फोन है और ऐसे में लोग कर रहे हैं वेट कि भैया नया फोन कब आएगा Redmi Note 6 Pro, जिसको दोस्तों Xiaomi ने अभी तक ऑफिशियली लॉन्च या अनाउंस नहीं किया है। लेकिन मेरे पास दोस्तों है यही फोन, इसका बॉक्स जो कि है ये Xiaomi का Redmi Note 6 Pro। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो को एक तरीके से बात करने वाला हूं इसी फोन के बारे में, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भैया कैसा है ये फोन, क्या है बॉक्स कॉन्टेंट्स, क्या है स्पेसिफिकेशंस इसी नए Redmi Note 6 Pro की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास में फोन और ये है Xiaomi का Redmi Note 6 Pro और ये है दोस्तों इसका ग्लोबल वर्जन। दुबई में मतलब फोन मिल रहा है शॉप पे बड़े आराम से, लेकिन अभी तक Xiaomi ने इसको लॉन्च अनाउंस कुछ भी नहीं किया है, नहीं चाइना में, नहीं भैया दुनिया में कहीं पे भी। लेकिन देखो बॉक्स दोस्तों एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू है आपके सामने। जहां पर दोस्तों बात करता हूँ बॉक्स के पीछे आपको मिल जाती है कुछ हाईलाइट्स, जहां पर दोस्तों इसमें होने वाला है ड्यूअल सेल्फी कैमरा जो कि है 20+2 मेगापिक्सल का, साथ में दोस्तों वही है 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा। जो स्क्रीन है वो है 6.2 इंचेस की और दोस्तों ये आती है एक नॉच के साथ में जो बनाता है 99:9 का एस्पेक्ट रेशियो, साथ में है 4000 mAh की बैटरी और बाकी दोस्तों बस कुछ है नहीं बॉक्स पे। करते हैं जल्दी से इसकी सील को ब्रेक और देखते हैं कि भैया क्या निकलता है इस बॉक्स के अंदर। जहां तक दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो वो Xiaomi ने यूज किया है स्नैपड्रैगन 636 एक बार वापस से Redmi Note 5 Pro के बाद में। और यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे इस तरफ तो ये मेरे पास में इसका है 3GB RAM 32GB ROM वेरिएंट जो कि है ब्लैक कलर में। अब इसके और कौन से वेरिएंट्स हैं वो हमको देखने पड़ेंगे जब करेगा Xiaomi इसको ऑफिशियली लॉन्च। तो यहां पे दोस्तों हटाते हैं बॉक्स के ऊपर वाले कवर को, तो अंदर यहां पे है Xiaomi Redmi Note 6 Pro, जहां पे वापस से एक बार मेंशन किया गया है उन्हीं हाईलाइट्स जो की थी बॉक्स के पीछे। इसको से बताता हूं साइड में और यहां पे देखते हैं कि और क्या निकलता है बॉक्स में। तो वही है बेसिक सामान, ये देख-देख के हम बोर हो गए ना कि मतलब क्या वही सेम चीज। यहां पे दोस्तों सिलेक्टर टूल, साथ में है बेसिकली कुछ पेपर वर्क और ये इंग्लिश में है क्योंकि ये दोस्तों इसका ग्लोबल वर्जन है। और इसके अलावा है यहाँ पे ये एक केस जो कि वही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा ब्लैक से फिनिश में है। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं नीचे, तो ये है USB to Micro USB केबल। Xiaomi यार अगर बजट रेंज में टाइप सी लेके आ जाए ना, जैसे कि Mi A2 में है, तो मतलब मज़ा से ही आ जाएगा। और इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे ये एक चार्जर, और ये जो चार्जर है इसकी जो आउटपुट रेटिंग है वो है 5 volts 2 amperes। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो बात हो गई है बॉक्स कंटेंट्स की। बात करते हैं सीधा इस फ़ोन के बारे में, जहाँ मैं इसको करता हूँ बूट और हम हटाते हैं इसके सारे ऊपर लगे हुए भैया प्रोटेक्शन को, देखते हैं दोस्तों क्या है फिजिकल ओवरव्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले से बात करता हूं तो आप ऊपर एक छोटी सी नॉच तो देख ही पाएंगे। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो आपको यहाँ मिलता है मेटल डिजाइन और जो डिजाइन उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है मेरे ख्याल से, जो कि थोड़ा सा और स्लीक फील हो रहा है। हालांकि लेकिन वही डिजाइन है यार जो एक बार कैमरा Xiaomi ने यूज किया, तो वही दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है पीछे की तरफ ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप। यहाँ पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, Xiaomi की ब्रांडिंग है। बाकी दोस्तों बात करता हूँ अगर आपसे फोन के इधर राइट साइड में, तो आपको मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक बटन, इसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। फोन में दोस्तों ऊपर की तरफ है यहाँ पे IR ब्लास्टर, तो ये एक अच्छी बात है। साथ में है सेकेंडरी माइक और हेडफोन जैक। और बाकी दोस्तों यहां पे लेफ्ट साइड में है सिम ट्रे, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट ही होगा, बिकॉज Xiaomi शायद आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ना दे इस फोन में। और जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ये है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। बाकी मैं बात करता हूँ कि फ़ोन में नीचे की तरफ क्या मिलता है। ओके भाई टूट मत जाना यार, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ है ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट, एक तरफ है ग्रिल माइक के लिए, दूसरी तरफ ग्रिल है स्पीकर के लिए। फोन दोस्तों यहाँ पे आ गया है MIUI 9 के साथ में, मैं इसके ऊपर करता हूँ सेटअप, बात करते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देखो नॉच को क्लियरली सकते हैं, जहाँ पे आपको सामने मिलता है इसका ड्यूअल कैमरा सेटअप जो कि है 20+2 मेगापिक्सल का। और बाकी दोस्तों ये है 6.26 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। मैं करता हूं फोन को सेट और हम बात करते हैं कि क्या निकलता है इस फोन में। तो यहां पे दोस्तों पहले तो हम फिंगरप्रिंट को सेट कर रहे हैं, फेस अनलॉक का ऑप्शन अभी सेटिंग्स में शायद जाके आएगा, फिलहाल तो इसने कुछ ऑप्शन दिया नहीं। यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल, हो गया डन। तो दोस्तों फाइनली फोन जो है वो हो गया कम्प्लीटली सेट और हम आ गए हैं यहाँ पे भैया फोन के होम स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको मिलता है MIUI 9। मैं अगर दिखाता हूँ आपको जाके सेटिंग्स में क्या है दोस्तों डिटेल्स फोन के बारे में, जाते हैं यहाँ पे अबाउट फोन में। तो ये है दोस्तों देख लीजिए Redmi Note 6 Pro, और यहाँ पे दोस्तों फिलहाल ये काम करता है MIUI 9.6 पे जो कि इसका ग्लोबल वर्जन है। सिक्योरिटी पैच जो है वो है भैया
है जुलाई के महीने का, और यहाँ पर दोस्तों को मिल जाता है ये प्रोसेसर जो कि है 1.8 GHz का ऑक्टा कोर यानी कि स्नैपड्रैगन 636, 3 GB की रैम, जो स्टोरेज दोस्तों उसमें से अवेलेबल है आपको 21.45 GB टोटल 32 GB में से। तो ये दोस्तों बात हो गई इस फोन की, और यहाँ पे आपको ये मिलता है Redmi Note 6 Pro अभी इंडिया में, या दोस्तों ग्लोबल, देखो ग्लोबल तो ये कंफर्म है कि फोन का बॉक्स मेरे पास में है ही 636 के साथ में। इंडिया में Xiaomi इसको कब लेके आएगा, कैसे लेके आएगा भैया, अगर हम बात करते हैं Redmi Note 5 Pro के हिसाब से तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं यार। देखो ड्यूअल कैमरा जो है वो एक एड ऑन है, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर एक नॉच है, इसके अलावा तो वही Redmi Note 5 Pro वाली बात हो गई है, इस फोन में तो कुछ खास डिफरेंस है नहीं। दोस्तों ये हो गई है बात भैया इस फोन की, जहां पे अगर मैं बताता हूं आपको चेक करके फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो वो डेफिनेटली फास्ट है, टच करते ही ओपन हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। और अब बार मैं चेक करता हूं यहां पे फेस अनलॉक, पहले यहां पे सेट करते हैं फेस अनलॉक को। ओके लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड, ऐड फेस डेटा, पैटर्न लगा दिया। ओके अरे यार ये वार्निंग बड़ी देते हैं यार, 1 2 3 4 1 2 3 4 बार बार, नेक्स्ट, ओके डन। और अभी अगर मैं चेक करता हूं तो 1 सेकंड के गैप के बाद थोड़ा सा गैप लेता है, मतलब जैसे अभी मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूं, मैंने देखा और एक हल्का सा वेट करने के बाद में जो है मतलब आपको लॉक स्क्रीन पे एक झलक दिख जाती है बाकी चीजों की। तो ये दोस्तों इसका फेस अनलॉक, मैं एक बार जल्दी से कैमरा भी ट्राई करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ड्यूअल फ्रंट फेसिंग कैमरा है, साथ में आपको AI वाले मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये है इसका नॉर्मल शॉट, और अब लेते हैं एक पोर्ट्रेट मोड में फोटो। ओके और यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों इन फोटोज़ को, तो मेरे ख्याल से डिटेल्स मिल जानी चाहिए, बिकॉज डिटेल्स मेरे दिख भी रही थी प्रीव्यू में। तो जी हाँ दोस्तों, फ्रंट फेसिंग कैमरा 20 MP का है, डिटेल्स काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं। और बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो इसने एज को तो पकड़ा है अच्छे से, लेकिन बालों में, क्योंकि बाल भैया आज स्टाइल दूसरा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसने किया है प्रॉब्लम, अदरवाइज मेरे को ठीक ही लग रहा है। मैं एक बार आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ और इसके सैंपल शॉट्स दिखाता हूँ फ्रंट और रियर कैमरा के, जो कि भैया फ़ोन क्लिक कर पा रहा है। तो ये है दोस्तों फ़ोन सारी मिला के कहानी इस Redmi Note 6 Pro की, कैमरा शॉट्स आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि जो Redmi Note 5 Pro इंडिया में अवेलेबल है वो लगभग ऐसा ही है, बस यहाँ पे आपको नॉच मिल रही है, ड्यूअल फ्रंट फेसिंग कैमरा है, बाकी तो भैया वही ये सेम फ़ोन है। देखते हैं इंडिया में कब लॉन्च होता है, किस प्राइस पे लॉन्च होता है। फिलहाल दोस्तों दुबई में जो प्राइस है वो है करीब 750 दिरहम, तो 750 दिरहम अगर दोस्तों आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार रुपए के आसपास प्राइस इसकी बन जाती है। अभी इंडिया में उस प्राइस पे आएगा तो 3/32 का स्टोरेज वेरिएंट आएगा, या फिर आपको भैया रैम ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी वो हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यही है कहानी इस Xiaomi के Redmi Note 6 Pro की। और बाकी दोस्तों को मालूम है Xiaomi जो काम कर रहा है, अभी आपको एड्स वगैरह भी आते हैं भैया, लॉक स्क्रीन पे ऐड, सेटिंग्स मेन्यू में ऐड, फाइल मैनेजर में ऐड, तो मतलब अभी इंडिया में देखते हैं कि Xiaomi क्या करता है इस फोन के साथ में। अगर 636 लेके आता है तो प्राइस को डेफिनेटली कम करना पड़ेगा, बिकॉज Realme 2 Pro आ रहा है भैया 660 के साथ में, तो ऐसे में अभी देखो क्या होता है Xiaomi का इंडिया में। फिलहाल जो अगला फोन आता है वो कौन सा होता है, किस प्राइस पे होता है, और ये जो Note 6 Pro है ये इंडियन मार्केट में कब आता है, कैसे आता है और किस प्राइस पे आता है। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, देख लिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो अपने कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।